हिंदुस्तान, जिसके कण कण में कोई ना कोई खासियत है। जहां की हर चीज एक अनोखे अंदाज में ढली हुई है। यहां कलाओं का अंबार भी है और आदर्श संस्कृति जैसी अनमोल संपत्ति भी है। भारत के पारखी कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत को हमेशा से निखारते आए हैं। किसी ने चमड़े से तबला बनाया और किसी ने बांस से बनाई बांसुरी। वर्षों से लोगों के मन को मोहती बांसुरी वादन की ये कला, जिसे कई कलाकारों ने अपने खून जिगर से सींचा है। विरासत के आज के सफर में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बनारस के मैहर घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित रौनेन्द्र नाथ मजुमदार से, जिन्होंने अपने घराने की पारंपरिक कला बांसुरी वादन को निखारा और लोगों के दिल में एक अनूठी पहचान बनाई। शामे अवध और सुबह बनारस दुनिया भर में मशहूर हैं। बनारस, जो संकट मोचन और विश्वनाथ मंदिर जैसी कला और संस्कृति की धरोहरों से मालामाल है। बनारस, जहां गंगा मैया में डुबकी लगाकर हजारों श्रद्धालु पवित्र होते हैं, वहीं दूसरी ओर बनारस की मिट्टी में बसी है भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनमोल विरासत। इसी बनारस में कजरी और ठुमरी की आत्मा रहती है और इस शहर में पैदा हुए हैं कई महान कलाकार। पंडित रोनू मजुमदार ने भी इसी मिट्टी से प्रेरणा ली और अपने अंदर पैदा की बांसुरी वादन की मधुर कला। बनारस की बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि जिस एरिया में हम लोग रहते थे वो कलाकारों का ही एरिया था, और जिस गली से हम लोग आना जाना करते थे वहाँ पे सभी कलाकारों के रियाज करने की आवाज़ और तबले की आवाज़, ठुमरी दादरा की आवाज़, और एक मिट्टी में एक अजीब सा संगीतमय वातावरण था उस वक्त। पूरे गंगा जी के घाट में जाना, संकट मोचन मंदिर में जाके पीछे बैठना, तो ये सारी यादें आज तक एकदम कल की बातें लगती हैं, और अभी भी मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके कजरी, जो ठुमरी जो गाई जाती है, उसका जो एक उसकी जो आत्मा है वो बनारस में बसती है, तो वहाँ पे जिसको भी अच्छी तरह गाना वहाँ रहना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मैंने वहीं से, मेरे अंदर वो रूट्स आ गए थे। और संगीत सुनना बहुत ज़रूरी है, बजाने से भी ज़्यादा, तो वो सुना मैंने ऐसे लोगों का जो कि संगीत में, संगीत के क्षेत्र में एक एक पिलर माने जाते हैं, और उन लोगों को मैंने सुना। पंडित रोनू मजुमदार के पिता डॉक्टर भानु मजुमदार पेशे से पेंटर थे और बांसुरी भी बजाया करते थे। बांसुरी को भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य धारा में लाने वाले पंडित पन्नालाल घोष और डॉक्टर भानु मजुमदार के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था। घर का वातावरण बांसुरी की धुन से सराबोर रहता था, पर बालक रोनू को उस समय पता नहीं था कि वो बांसुरी के साथ खेलते खेलते इसके रसिया हो जाएंगे। Oh!
पहले तो बिना सोचे समझे मैंने बजाने लगा, क्योंकि घर में बजता ही था और छोटी छोटी बांसुरी को लेके खेलते भी तो थे खिलौने जैसा, तो और पिताजी बांसुरी बजाते थे, उस कारण से पन्नालाल घोष जी जो बांसुरी के जन्मदाता हैं उनके पास पिताजी सीखते थे। तो जो बजाते बजाते खेलते खेलते कब मैं बजाने लगा ये अपने आप हुआ, और जब थोड़ा सा होश संभाला तो मुझे लगा कि इससे कोई मीठी आवाज़ नहीं हो सकती और इससे प्राकृतिक वाद्य भी कोई नहीं है। बचपन में ही रोनू अपने पिता के साथ मुंबई आ गए, जहां से शुरू हुआ संगीत में उनके कामयाब सफर का सिलसिला। बनारस से बॉम्बे आने का जो डिसीजन है ये मेरा नहीं था, मेरी उम्र तो उस वक्त सिर्फ 11 साल की थी, ये मेरे पिताजी का डिसीजन था। तो हम लोग सभी एक साथ यहाँ आ गए और वो उस वक्त भारत के नंबर वन ऑयल पेंटर थे और मुंबई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थी और होम्योपैथिक का भी यहाँ पे नया नया था, तो पिताजी उन पायनियर डॉक्टर में से हैं जिन्होंने होम्योपैथिक को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और लोगों तक पहुँचाया, हम भी उनके साथ आ गए। जब बालक रोनू बनारस से मुंबई आए तो उन्हें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बनारस का संगीतमय वातावरण, संकट मोचन मंदिर और वहाँ की गलियाँ उन्हें बहुत याद आती थी। बहुत ख़राब लगा पहले तो, क्योंकि बनारस में बहुत अच्छा लगता था, खास करके शास्त्रीय संगीत का जो माहौल बनारस में उस वक्त था वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें मुंबई रास आने लगी। वे मानते हैं कि यदि वो मुंबई नहीं आते तो अपनी कला के प्रदर्शन के बहुत से अवसरों से वंचित रह जाते। बम्बई में एक भागा दौड़ की, फिर भी बम्बई ऐसी नहीं थी जैसी कि आज है, और बम्बई में बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद बनारस में मैं रहता तो नहीं मिलता मुझे, खास करके लाइट म्यूजिक में जो एक कंपोजिशंस वेस्टर्न का जो होता है वो भी माहौल बम्बई में देखने को मिला, और बहुत कुछ मैंने सीखा। मुंबई में स्ट्रगल बहुत था, एक बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर मुझे लगा। मुंबई में जब रोनू की मुलाकात पंडित विजय राघव राव से हुई तब उन्हें लगा कि बांसुरी की कला अपनानी चाहिए और उन्होंने पंडित विजय राघव राव को अपना गुरु स्वीकार कर अपने आप को बांसुरी की सेवा में समर्पित कर दिया। पैशन तो देखिए इतना ज़्यादा होना चाहिए और सभी प्रोडिजी जो चाइल्ड प्रोडिजी कहिए या उन लोगों में होता है, और वही मेरे अंदर भी था, और जो भी इसको पैशन की तरह करते हैं वही इसको अच्छा कर पाते हैं। तो प्रोफेशनल तो ये इट हैपन टू बी, आस्ते आस्ते प्रोफेशनल हो जाता है वो, और मेरा भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पे आके गुरु का दर्शन, मेन गुरु का दर्शन यहाँ होना था, वही हुआ। पंडित विजय राघव राव जी मेरे गुरु जी उस वक्त बॉम्बे में ही थे और फिल्म डिवीज़न में डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर। तो उस वक्त मेरे पिताजी जितना सिखा सकते थे शुरू में बचपन से उन्होंने हाथ रखवाया, मगर एक और गुरु की तलाश थी जो कि एक बहुत बांसुरी का कोई महान ज्ञाता हो, तो वो मुझे बॉम्बे में मिले। में पंडित रोनू मजुमदार ने ऑल इंडिया रेडियो पर हुए एक कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद उनके फन की शोहरत चारों ओर फैलने लगी और संगीत की दुनिया में उनका नाम मशहूर होने लगा। पहला जो रिकॉग्निशन मिलना 1981 में, और वो था ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन जीतना, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, कुछ सोच के नहीं। उस वक्त तो छोटे थे हम लोग, टीनेजर थे, तो गुरुजी के बोलने से बैठ गया और फर्स्ट आ गया मैं, तो मुझे कुछ लगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद आरडी बर्मन साहब ने जब बुलाया मुझे उसके बाद, और वो सभी जितने इंडियन म्यूजिशियंस को बहुत लाइक करते थे जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत वालों को, तो उसके बाद उन्होंने मुझे खमाज बजाने के लिए कहा, राग खमाज उनका प्रिय राग था।
तो मैंने फिल्म सेंटर में जब बजाया तो उन्होंने तुरंत अपने, उस वक्त मैसेंजर हुआ करते थे, मैसेंजर मींस जो मैसेज देते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का मैसेज जो हम तक पहुंचाते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने मैसेंजर से कहा कि जितने मेरे डेट हैं सब इनको दे दो। और एक सबसे जिससे लोगों ने मुझे मुंबई में पहचानना शुरू किया वो था 1991 में एक फ्लूट फेस्टिवल हुआ था जिसमें कि पन्नालाल घोष जी तो जन्मदाता है, उनके बाद जो चार बांसुरी वादक जो मेन बुजुर्ग माने जाते हैं उसमें पंडित विजय राघव राव जी मेरे गुरु जी, मुर्देश्वर जी स्वर्गवास हो गए अभी 3-4 साल पहले, और रघुनाथ सेठ जी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन चारों का वहाँ पे सम्मान किया जा रहा था और उसमें मुझे बजाना था। और उस प्रोग्राम में सारे बांसुरी वादकों को बजाने के बाद मैंने बजाया और उस वक्त से लोगों ने मुझे पहचाना। पंडित रौनेन्द्र नाथ मजुमदार ने बांसुरी के साथ साथ गाना भी सीखा। शायद उन्हें ये लगा कि अच्छा बांसुरी बजाने के लिए गायकी का इल्म भी बहुत ज़रूरी है। गाना जो सीखते नहीं हैं उनके बजाने में कभी परिपूर्णता नहीं आ सकती, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो गाना भी मैंने सीखा, महादेव प्रसाद मिश्रा जी से भी सीखता था बनारस में, और यहाँ लक्ष्मण प्रसाद जी से भी सीखा मैंने, और जो गाता हूँ वही बजाता हूँ मैं। वैष्णव जन तो तेने रे कही जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। यूं तो कई ऐसे राग हैं जिन्हें पंडित रोनू मजुमदार मजे से सुनते और बजाते हैं, लेकिन राग दरबारी उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। काफी राग हैं मगर एक एक राग जैसे जैसे आप साधते जाते हैं तो वो फेवरेट होते जाता है। इन दिनों मुझे राग दरबारी बहुत मेरे हृदय से क्लोज है और उसमें बहुत साधना हो रही है और भी होगी। राग दरबारी मेरा फेवरेट है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक ओशन की तरह है, जितना समुद्र की गहराई को समाया हुआ है ये राग, बहुत मुझे प्रिय है ये राग। आम लोगों की तरह रोनू जी को भी संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, पर ये जद्दोजहद उनके लिए काफी लाभदायक साबित हुई। जर्नी जितनी कठिन भी रही उतनी सुखद भी रही। जर्नी कठिन इसलिए थी क्योंकि हम लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे और बहुत सारे जो पैसे की तकलीफ सभी बहुत सारे कलाकारों को सहनी पड़ती है वो हमें भी सहनी पड़ी, और स्ट्रगल करना पड़ता है वो सब किया। और जर्नी में ये सुख रहा कि अगर ये तकलीफ और ये जो स्ट्रगल, ये जो संघर्ष अगर नहीं हो तो कलाकार के अंदर दर्द पैदा नहीं होता, सुरों में वो जान नहीं आती और जो दिल को छू जाए। और इस जर्नी में, इस ट्रैवलिंग में मुझे जो गुणी लोग तरह तरह के अलग फील्ड से मिले, जैसे आप देखिए लाइट म्यूजिक से आर डी बर्मन, रविंद्र जैन, पंडित रविशंकर जी के ऑर्केस्ट्रा में मैंने बजाया जो मेरे दादा गुरु लगते हैं वैसे रिश्ते में, और इस तरह से जगजीत सिंह से मुलाकात हुई, गुलाम अली भाई मुझसे कंपोज करवाए, गज़ल के एक सम्राट हैं। तो ये जर्नी जो रही, जो काम आता था हम करते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे कि ये लाइट है या ये क्लासिकल, आज मालूम पड़ता है आज जब म्यूजिक कंपोज करते हैं तो लगता है कि वो जर्नी ही काम आ रहा है आज, वो लोगों के साथ जो मैंने समय बिताया। तो आई रियली एंजॉयड द होल जर्नी एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग।
पंडित जी की वर्षों की लगन और परिश्रम ने उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान दिलवाए। वर्ष 1999 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया। जहाँ लोग आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान हैं, वहीं रोनू जी अपने आप से काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि सुबह का रियाज उन्हें दिन भर तरोताजा रखता है। यहाँ पे वो बनारस का रूह काम आता है कि सबसे पहले मन मिजाज ठीक होना चाहिए और सबसे पहले सुबह का रियाज, घर का वातावरण, उसमें पहला ध्यान होना चाहिए। तो ये जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, इससे अछूता रह जाता हूँ मैं, और इसमें कभी मेरी आत्मा को कभी ये तकलीफ नहीं देती। पंडित जी अपना खाली समय अपने परिवारजनों के साथ बिताना पसंद करते हैं। जो भी आराम का समय है, जब हम बहुत रिलैक्स होते हैं, तो घर पे होते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वही हम लोगों का सबसे थकान वाला होता है। प्रोग्राम से नहीं, प्रोग्राम से तो हम लोग और भी एनर्जी मिलता है, आनंद होता है, लोग जब खुश होते हैं तो वो सबसे आनंद का क्षण होता है। फैमिली के साथ लड़के को सिखाना, उनके साथ खेलना, प्रैक्टिस करना, स्विमिंग करना और क्रिकेट देखना, खेलता भी था मैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और मेरा प्रोग्राम नहीं है तो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो वक्त जो है वो इतना मज़ा आता है, बहुत सबसे मुझे आनंद उसमें होता है। दूसरी बात है कि किताबें पढ़ना और कविताएँ खास करके, और इन दिनों मधुशाला पढ़ना जारी है और उसमें इतनी अच्छी बातें हैं, जैसे खास करके जो मंदिर मस्जिद को उन्होंने कहा कि वो लड़ना सिखाते हैं और मधुशाला है प्रेम सिखाती, तो ये उसमें इतना मैसेज कन्वे किया है हरिवंश राय जी ने, महान महान। तो इन कवियों को भी पढ़ता हूँ, ये सब मेरे लेजर स्टाइल। परिवार के साथ रहना तो रोनू जी को बहुत पसंद है ही, उनकी ये भी इच्छा है कि वो अपने दोनों बेटों को शास्त्रीय संगीत सिखाएं, ताकि मैहर घराने की परंपरा यूं ही नई ऊंचाइयां छूती रहे। ये तो लीगेसी है और ये अपना हेरिटेज, अपना चीज़ को पास ऑन करना होता है, और मगर डेस्टिनी ऐसा चीज़ है कि वो कोई नहीं बदल सकता, और समय में जो बदलाव है म्यूज़िक में, वो बदलाव से भी थोड़ा चिंता होता है कि अगर इसको प्रोफेशनली लेंगे तो किस तरह से लेंगे। तो उनमें एक सॉलिड म्यूजिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिससे कि उनको बिलीफ हो अपने अंदर और कोई भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन ना आए उनके अंदर। यही मेरा कर्तव्य है आगे, फिर जैसे कि जैसे ईश्वर चाहेगा, मेरा काम है उनको सिखा देना और जिस तरफ ले जाएं वो लोग। कोई अकेला कहाँ, कोई अकेला कहाँ, साथ है सारा जहाँ, तो कोई अकेला कहाँ, कोई अकेला कहाँ, कोई अकेला कहाँ। लोग बदल जाएंगे, सदियां बदल जाएंगी, पर संगीत की कलियां यूं ही खिलती जाएंगी। ये विरासत ही आने वाले वक्त को मेरा दौर याद दिलाएगी, मेरा दौर याद दिलाएगी, मेरा दौर याद दिलाएगी।